من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون फरमा दीजिए कौन है जो तुम्हें रिस्क देता है आसमान से और ज़मीन से, कौन मालिक है समाअत का और बसारत का, कौन निकालता है जिंदा को मुर्दा से और मुर्दा को जिंदा से, कौन है जो सारी कायनात के सारे कामों की तदबीरें करता है। हसन करीम कहेंगे अल्लाह ही है। फरमा दीजिए क्या तुम तक्वा नहीं इख्तियार करते, ये है अल्लाह तुम्हारा रब हकीकी जो इस हक के बाद है वो सब गुमराही है, बस तुम कहाँ फिरे जा रहे हो। इस आयत में अल्लाह ताला ने इनामात का तज़किरा फरमाया है, अल्लाह ताला के मेरे ऊपर आप में से हर एक पर हर लम्हा इतनी नेमतें बरस रही हैं कि अगर अल्लाह ताला इस बात को मुमकिन कर दे कि कोई आदमी ये सलाहियत रखता हो, अल्लाह उसको ये सलाहियत दे कि वो बारिश के कतरों को शुमार करे या रेत के ज़र्रात को शुमार करे, दरख्तों के पत्तों को शुमार करे, अगर अल्लाह किसी को सलाहियत दे वो ये कर ले तो ये मुमकिन होगा। लेकिन एक इंसान पर अल्लाह की तरफ से जो नेमतें बरस रही हैं ऐसा बंदा उनको भी शुमार नहीं कर सकता। अल्लाह की इतनी नेमतें आप अंदाज़ा लगाएं, आज जितना अल्लाह ताला की तरफ से मादे में इजाफा है, नेमतों में इजाफा है, उतना ही नाशुक्री में इजाफा है। आज हम अपने माशरे में देखें एक गरीब आदमी जो महल्ले में माशरे में ज़रूरतमंद समझा जाता है वो जितने नेमतें हासिल कर रहा है, आज से 100-200 साल पहले के किसी धरती के बादशाहों को भी वो नेमतें मुयस्सर नहीं थी जो आज का गरीब आदमी वो नेमतें ले रहा है, लेकिन फिर भी जुबान पर नाशुक्री है। और जिसको अल्लाह ज़्यादा नेमतें मालदार शुमार होता है उसकी जुबान पर भी नाशुक्री है। अब देखें आज से 100-200 साल पहले जो बादशाह थे उनके यहाँ उनके महल्लात में रात के वक़्त रोशनी के इंतज़ाम के लिए सबसे बड़ा जो ज़रिया और आलीशान इंतज़ाम था वो घी में घी के ज़रिए से रोशनी करते थे, लालटीन जलाते, दिया जलाते, और वही उनके वक्फे वक्फे पर रखे हुए कुमकुमे होते जिससे रोशनी का इंतज़ाम होता। और आज अल्लाह ताला ने इस बिजली के ज़रिए से बल्ब और कुमकुमे जो गरीब के घर के ऊपर रोशन है, सारे रात रोशन रहते हैं, जितना ये रोशनी है ये रोशनी 200 साल पहले के बादशाह के वक्त में नहीं। बादशाह के पास इस गर्मी में हवा की ज़रूरत के लिए गुलाम खड़े होते, नौकर खड़े होते जो पंखा हिलाते और हवा देते। अब एक इंसान कब तक हवा दे सकता है, उसको खुद को नींद की ज़रूरत है, अगर ड्यूटी तब्दील कर ली जाए तब भी उसकी मंशा के मुताबिक हवा नहीं चला सकता, मच्छर को नहीं दौड़ा सकता। लेकिन आज एक गरीब आदमी
रात को सोया हुआ है, उसके ऊपर उसके सेट पर पंखा चल रहा है, उसकी मंशा के मुताबिक तेज करे तो तेज हो जाता है, आहिस्ता करे तो आहिस्ता हो जाता है। सारी रात आराम के लिए सोया हुआ है और हवा इस पर आ रही है। ये पहले बादशाहों को भी नेमत नसीब नहीं थी जो आज इस गरीब को नसीब। इसी तरह हम खाने पीने की तरफ देख लें, लिबास की तरफ देख लें, रिहाइश की तरफ देख लें, और ये ठंडा पानी जो आज ये गरीब को मुयस्सर है, कुछ अर्सा पहले बादशाह को भी ये मुयस्सर नहीं था। सबसे ज़्यादा ठंडे पानी का जो नज़म था वो घड़े का पानी है, ज़मीन के अंदर उसको रखा हुआ है, तो वो एक आम तबीयी ठंडक उसको तो थी, लेकिन तबीयत के ज़्यादा से ज़्यादा आज जिस दर्जे की ठंडक चाहता है उसको उस दर्जे की ठंडा पानी नसीब है। ये उन नेमतों से ज़्यादा नेमतें ले रहा है तो पहले बादशाहों को नसीब। पहले बादशाह और गरीब थोड़ा सा नेमत लेकर अल्लाह का शुक्र अदा करते, और आज जितनी नेमतों में इजाफा है उतना ही नाशुक्री में इजाफा है। हर बंदे की ज़ुबान पर शिकवा है। अल्लाह ताला ने यहाँ ये बात फरमाई, कुल मैं यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, फरमा दीजिए कौन है जो तुम्हें आसमान से ज़मीन से रिस्क देता है। रिस्क के फैसले आसमान पर होते हैं। वफिस समाई रिस्कुकुम, आसमान में तुम्हारा रिस्क है, या ऊपर से बारिश बरसती है उससे ज़मीन तर होती है, वहाँ से खेतियाँ निकलती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के गले निकलते हैं, फल निकलते हैं जो इंसान ग़िज़ा के लिए इस्तेमाल करता है, तो ऊपर से भी रिस्क आ रहा है, ज़मीन से भी रिस्क निकल रहा है। तो फरमाया आसमान ज़मीन से तुम्हें अल्लाह रिस्क दे रहा है। अम्मा यम्लिकु समा वल अबसार, कौन है जो तुम्हारी समा और बसर का मालिक है। अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ा तो बहुत दिए, एक एक उज़्व इंसान की ज़रूरत है, लेकिन अल्लाह ने यहाँ दो उज़्वों का जिक्र फरमाया, आँख कान और आँख बस, इसके अलावा बातियों का जिक्र नहीं है। जिस तरह ज़मीन और आसमान के अलावा बहुत नेमतें हैं अल्लाह ताला की जो इंसान हासिल कर रहा है, हवा है, रोशनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने आसमान ज़मीन का जिक्र फरमाया कि आला नेमतें। इसी तरह इंसानी जिस्म में अल्लाह ताला ने बहुत नेमतें दी हैं इंसान को, उनमें से दो का यहाँ तस्करा है। तो ये दो वो नेमतें हैं जो सारी नेमतों में सबसे ज़्यादा अज़ीम हैं। अल्लाह ताला ने बास इंसानी आज़ा एक एक बनाए, नाक एक है, ज़ुबान एक है, एक और बनाए, बास दो दो बनाए। आदमी इस पर गौर करे, अपनी अकल दौड़ाए, तो अंदाज़ा होता है कि इंसान की जिस उज़्व में इंसान की ज़रूरत ज़्यादा है अल्लाह ताला ने वो दो दो बना दिया, और जिसकी ज़रूरत कम है उसको एक एक बना दिया। अब हाथ हैं, अल्लाह ने दो बनाए, इंसान को ज़रूरत है, और अल्लाह ताला ने पाँव दो बनाए, इंसान को ज़रूरत ज़्यादा है। कान अल्लाह ने दो बनाए, आँखें दो बनाई, इनकी ज़रूरत ज़्यादा है। ज़ुबान अल्लाह ताला ने एक बनाई है, बज़ाहिर तो लगता है कि इंसान को ज़ुबान की ज़रूरत ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह ने एक बनाई, इसमें इशारा है कि इंसान का खामोश रहना उसके बोलने से ज़्यादा बेहतर है। गौर से सुने हक बात और अकल से सोचे, गौर से देखे और अकल से सोचे, ज़्यादा बोले नहीं, ज़्यादा देखे, ज़्यादा सुने, तो इसमें इसका ज़्यादा फ़ायदा है। और अल्लाह ताला ने यहाँ समा बयान फरमाया, पहले कान का तज़किरा है। इसकी ज़ाहिरी साहत भी इस मुराद हो सकती है, और इसके अंदर जो कुव्वत समाअत अल्लाह ताला ने रखी है वो भी मुराद हो सकती है। दोनों का मालिक अल्लाह है। अल्लाह ताला ने जो ज़ाहिरी साहत बनाई इंसान के कान की, अगर इसमें गौर करें बज़ाहिर तो ऐसे लगता है जिस्म से उठा हुआ एक इजाफी उज़्व है, अगर काट दें तब भी इंसान सुनता है, लेकिन इसमें भी बड़ी हिकमतें हैं। फिर इसकी बनावट में हम देखते हैं कि इसमें टेढ़ापन है, अंदर उभार है, और ख़ास गलियां अल्लाह ताला ने बना दी हैं, लेकिन इसमें भी हिकमतें। मुहक्किकीन फरमाते हैं, मुफस्सिरीन,
कि इस काम की ये जो समाअत है, कुव्वत, सुनने की कुव्वत, अल्लाह ताला ने इसमें ख़ास एक नफासत रखी है। कान के अंदर पर्दा है, आगे से बंद है, और ये पर्दा इतनी नाजुक और बारीक बारीक पर्दा है। फिर इस पर्दे के बाद अल्लाह ताला ने हौज बनाया, जिस तरह पानी का हौज होता है, इसी तरह रुतूबत का हौज है। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने आसाब रखे, एक एक कान में 3,000 आसाब हैं। अब ये जो आवाज़ हमारे कान में जाती है, इसको हवा लेकर जाती है। अब ये जो हवा है, ये भी ख़ास मकदार की और ख़ास तरतीब से जो हवा होती है, वही हवा अंदर ले जा सकती है। अल्लाह ने इस तेज़ चलने वाली हवा को ठहराव पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने ये उभार पैदा किया और इसमें गलियां बनाई हैं, रोक रोक कर तरतीब से ये अंदर दाखिल होती है और बड़े आसानी से नरम अंदाज में जाकर उस पर्दे से, जो नरम पर्दा है, बिल्कुल बारीक है, उसके साथ जाकर टकराती है। फिर उसके अंदर जो हौज है, उस हौज में ऐसे लहरें पैदा होती हैं जैसे पानी के हौज में कोई पत्थर डाले आदमी तो उससे लहरें पैदा होती हैं। वही लहरें इस आवाज़ को लेकर जाती हैं, आगे आसाब तक पहुंचाती हैं। फिर वो आसाब जो हैं, 3,000 आसाब, ये हर एक आवाज़ की के मुताबिक अल्लाह ताला ने एक आसाब बनाया है जो उस आवाज़ को वसूल करता है, वसूल करके आगे कुव्वत अक़लिया तक पहुँचाता है। फिर अकल फैसला करती है कि किसकी आवाज़ है, और अकल में अल्लाह ताला ने यह सलाहियत रखी कि हर आवाज़ को एक दो दफ़ा सुनने के बाद अकल उसको महफूज कर लेती है। आदमी सुनता है, फौरन पहचान लेता है, ये अब्दुल्ला की आवाज़ है, ये अब्दुलरहमान की है, ये फ़लाँ आदमी की है, फ़लाँ आदमी की है। अल्लाह ताला ने समाअत इतना हसास तरीके से बनाई है, और ये बनाने वाला अल्लाह है, वही मालिक है। इसी तरह आँख, आँख इससे भी ज़्यादा नाजुक अंदाज में अल्लाह ने बनाई है। हमें आँख के दरमियान में जो काले रंग का एक गढ़ा नज़र आता है, गौर से देखें तो ये बिल्कुल पार नज़र आता है, ये भी अल्लाह ताला के ख़ास एक तरतीब से बना हुआ, ये कान से भी ज़्यादा अहम और नाजुक किस्म का एक तरतीब है। इसकी तफसील है जो मुफस्सिरीन ने लिखी है, अल्लाह ताला ने जो आँख बनाई है, आँख के ऊपर अल्लाह ने ये वाइपर रखा है, हमारी ज़ाहरी आँख, ये इसमें ज़ाहरी आँख भी मुराद हो सकती है और कुव्वत बसारत देखने की कुव्वत भी मुराद हो सकती है। हम अंदर ज़्यादा गौर करें तो शायद हम इसके हकीकत तक ना पहुँचे, जिन्होंने इसकी तहकीक लिखी है वो भी बड़ी लंबी हो, हम इस ज़ाहरी इस बात को देखें। इसके ऊपर जो अल्लाह ताला ने वाइपर रखा है, ये बड़ा अहम और कीमती है। इसके अंदर 7 तबकात हैं और उसके 3 हिस्से हैं, और उसमें भी रुतूबत है। एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ जिससे उसकी एक आँख का ऊपर वाला ये वाइपर ये फट गया, कट गया। अब उसकी हालत ये थी कि हर 3 घंटे के बाद इसकी नज़र में धुंधलाहट पैदा हो जाती है, क्योंकि इस फिजा में चलने, ये जो हवा है इसमें ज़र्रात चलते हैं। अब ये जो आँख अल्लाह ताला ने बनाई, हर लम्हे के बाद वाइपर चलता है और इन ज़र्रात को वो दूर कर देता है। थोड़ी सी कोई सख्त चीज़ जाए तो फौरन पानी आ जाता है, इससे पानी निकलता है और आँख साफ हो जाती है। अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है, ना इस पर अल्लाह ताला ने कोई बिल लगाया है, ना हम हमारे हाथों के साथ इसको वाबस्ता किया है। हम अपना कपड़ा सीधा करना चाहें, हाथ की ज़रूरत है, सर का कपड़ा सीधा करना चाहें, हाथ इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन आँख के इस वाइपर के लिए कोई हाथ नहीं इस्तेमाल करना पड़ता, बल्कि इरादे की भी ज़रूरत नहीं। बिला इरादा इंसान की आँख में ये वाइपर चल रहा है, ये सब अल्लाह ताला का निज़ाम है। तो फरमाया कि कौन है अस्समा वल अबसार, जो समाअत का और बसारत का मालिक है, कौन है जो निकालता है जिंदा को मुर्दा से, मुर्दा को जिंदा से। सारी कायनात में दो ही सूरतें हैं, मुर्दा जिंदा से निकल रहा है, जिंदा मुर्दा से निकल रहा है। थोड़ी सी मिसाल, अंडा है, इससे मुर्गी निकल रही है, अंडा मुर्दा है, मुर्गी जिंदा निकल रही है, मुर्गी जिंदा है उससे अंडा मुर्दा निकल रहा है। इसी तरह सारी चीज़ें कायनात की अल्लाह ताला ने बनाई हैं। युख्रिजुल मय्यित मिनल हय वमन यदब्बिरुल अम्र, सारी कायनात के सारे कामों की अल्लाह तदबीर कर रहा है।
आप अगर इंसान अपनी अकल इसमें इस्तेमाल करे तो सारी जिंदगी सोचता रहे इसको, आसमान से जमीन तक का अल्लाह ने जिक्र फरमाया एक जगह, यहाँ मुतलक फरमाया, अल्लाह ताला ने जितने इंसान बनाए हैं उनके जरूरत के मुताबिक उतनी खुराक पैदा फरमाई, उतने लोगों को अल्लाह ताला ने जमीन दी है, उतना जमीन अल्लाह ने काश के लिए पैदा फरमाई, और जितना गंदम जरूरत है उतना लोगों के जहन में गंदम की काश्तकारी डाली, जितना चावल की जरूरत है चावलों की काश्तकारी अल्लाह ताला ने जहन में डाली, जितने फल की जितनी जितनी जरूरत है उसके मुताबिक, जितना इंसान को लिबास की जरूरत है उतना अल्लाह ने लोगों के दिलों में डाला और उनको सलाहियत दी, उन्होंने फैक्ट्रियां बनाई इसके लिबास की, इसी तरह बाकी जरूरियात की, जितना इंसान की जरूरत है अल्लाह ताला ने उसकी मिकदार के मुताबिक सारी जरूरियात का इंतजाम किया, किसी चीज को अल्लाह ने इजाफी नहीं बनाया, किसी चीज को कम नहीं बनाया। ये तो इंसान की जाहिरी जरूरियात है, इसके अलावा इंसान की बातनी जरूरियात है, अल्लाह ने सबका पूरा पूरा इंतजाम किया है। अल्लाह ताला की उस शुमार में और उसके तरतीब में कोई गड़बड़ नहीं है, कोई कमी पेशी अंदाजे में नहीं है, सारे मामला अल्लाह ताला ने बिल्कुल बराबर बनाए। इंसान की अकल हैरान हो जाती है तो अकल खुद कहती है कि ये उस जात का काम हो सकता है जिसने सारी कायनात को बनाया, इसलिए फरमाया फसयकूलून अल्लाह, ये काफिर भी कहेंगे कि सब कुछ अल्लाह ही करने वाला है। कुल अफला तत्तकून, आप उनसे पूछें फिर उससे डरते क्यों नहीं हो, फिर तुम तकवा क्यों नहीं इख्तियार करते, ये तुम्हारा अल्लाह तुम्हारा रब है जो तुम्हें पाल रहा है, हकीकी रब वो है, उसके अलावा सब गुमराही है। हमारे नजरियात असबाब की तरफ जाते हैं कि फलां चीज हमें पाल रही है, दुकान पाल रही है, नौकरी पाल रही है, अल्लाह फरमा रहे हैं तुम्हारा रब तुम्हें पाल रहा है जो सारा निज़ाम चला रहा है, जब वो पाल रहा है तो उसके सामने सजदा करें, उसी से मांगें और उसके साथ ताल्लुक मजबूत रखें, उसको नाराज ना करें, उसको खुश रखें, ताकि हमारी सारी जरूरियात भी अल्लाह ताला पूरी फरमाता रहे, और इस दुनिया के बाद एक और जहान है उसमें भी अल्लाह ताला कामयाब फरमाए। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब करे।